हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, अगर आपको अपने फ़ोन के अंदर अपने एप्लीकेशन हाइड करने हैं तो कैसे कर सकते हैं। आपके फ़ोन के अंदर बहुत सारे ऐप्स ऐसे होते हैं जो आपको हाइड करने होते हैं, सबसे छुपा के रखने हैं, किसी को शो नहीं करने हैं, तो कैसे करेंगे इसी वीडियो में आपको बताने वाले हैं। तो वीडियो में बहुत सिंपल स्टेप रहने वाले हैं, जिन्हें फॉलो करके आप अपने फ़ोन के अंदर जो अपने एप्लीकेशन है उन्हें आप हाइड कर सकते हैं। तो चलिए गाइस, वीडियो एंड तक देखना ताकि आपको समझ में आ सके। और इसमें आपको ऐप्स हाइड करने के लिए कोई भी ऑप्शन देखने के लिए नहीं मिलता है, अगर आपके पास इन्फिनिक्स का फ़ोन है तब। तो इसमें आपको ऐप्स हाइड करने का ऑप्शन देखने के लिए नहीं मिलता है। तो इसके लिए हमने क्या करा, एक एप्लीकेशन डाउनलोड कर रखा है प्ले स्टोर से, उसे भी आप डाउनलोड कर सकते हैं, प्ले स्टोर पर देखने के लिए मिल जाएगा। उसमें आपको कुछ सेटिंग करनी है, उसके बाद अपने एप्लीकेशन आप हाइड कर सकते हैं। तो यहाँ से हम आपको बता देते हैं, एप्लीकेशन का नाम है यू लॉन्चर लाइट, जो कि आपको देखने को मिल जाता है। यू लॉन्चर लाइट सिंपली आपको प्ले स्टोर पर जाके मिल जाएगा, वहाँ से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। इसे हम फर्स्ट टाइम ओपन करेंगे। जब आप इसे ओपन करेंगे, यहाँ से आपके सामने इस प्रकार का इंटरफेस ओपन हो जाता है। इसे आपको एग्री कर देना है। एग्री करने के बाद स्टार्ट का ऑप्शन मिल जाता है, स्टार्ट पे आपको क्लिक कर देना है। स्टार्ट करने के बाद आपके फ़ोन के अंदर कुछ इस प्रकार का इंटरफेस ओपन हो जाता है। अब यहाँ से आपको अपनी एप्लीकेशन वगैरह इधर आपको देखने के लिए मिल जाती हैं, जो भी आपको चाहिए वो यहाँ से आप देख सकते हैं। अगर आपको अपनी एप्लीकेशन आप हाइड करने हैं तो आपकी जो होम स्क्रीन डिस्प्ले, इस पर आपको टू फिंगर से इस प्रकार से पिंच आउट करना है। फिर इस प्रकार से आपको पिंच इन करना है अपनी होम स्क्रीन पे। पिंच इन करने के बाद, पिंच आउट करने के बाद सेटिंग का ऑप्शन मिल जाता है आपको। तो यहाँ से आप जाएंगे सेटिंग में। सेटिंग हो जाने के बाद इसका कोई भी आप पिन अपना सेट कर लेंगे, यहाँ से कोई भी एक पिन सेट कर देंगे। इसे कन्फर्म करेंगे, यहाँ से कन्फर्म कर देते हैं। कन्फर्म करने के बाद आपके सामने इस प्रकार का इंटरफेस ओपन हो जाता है। तो यहाँ आपको एक ऑप्शन मिल जाता है ऐप ऐड प्राइवेट ऐप्स, इस पर आपको क्लिक कर देना है। यहाँ से क्लिक करने के बाद आपके फ़ोन में अंदर एप्लीकेशन मिल जाते हैं, जो भी आपको हाइड करने हैं वो यहाँ से आप कर सकते हैं। जैसे यहाँ से अपने फ़ोन के अंदर यहाँ से आपको एप्लीकेशन देखो मिल जाता है, यहाँ से हाई ब्राउजर मिल जाता है, और यहाँ से आपको एप्लीकेशन देखो मिल जाते हैं, यहाँ से वीडियो प्लेयर। इन दो एप्लीकेशन को हमने साउंड हाइड कर दिया और इसे हम ओके कर देंगे। ओके करने के बाद जो एप्लीकेशन आपने हाइड किए वो आपको यहाँ देखने के लिए मिल जाते हैं। तो इस प्रकार से अपने फ़ोन के अंदर अपने एप्लीकेशन को आप हाइड कर सकते हैं। और जो एप्लीकेशन आपने हाइड किए वो आपको अपने फ़ोन की स्क्रीन पर देखने के लिए नहीं मिलते हैं। यहाँ से आप देख सकते हैं, जो हमने एप्लीकेशन अपने हाइड किए थे वो आपको यहाँ देखने के, सॉरी यहाँ से हम बैक जाएँ यू लॉन्चर में जाएंगे, वहीं आपको एप्लीकेशन देखने के लिए मिल जाते हैं जी। तो जो एप्लीकेशन आपने हाइड किए वो आपको अब यहाँ देखने के लिए नहीं मिलते हैं। तो इस प्रकार से अपने फ़ोन के अंदर आप अपने एप्लीकेशन को हाइड कर सकते हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं हम सब किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।